छिंदवाड़ा से विधायक प्रतिनिधि द्वारा चौथे स्तंभ पत्रकार पर हमला करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मोहन नेमा की दबंगई से पत्रकार राजेश नेमा का पूरा परिवार दहशत में है। विधायक प्रतिनिधि द्वारा पत्रकार राजेश नेमा के घर पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं जिले भर के पत्रकारों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए विधायक प्रतिनिधि व उसके साथियों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर हरई TI छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन 24 घंटे से अधिक हो जाने के बाद भी मोहन नेमा व उसके अन्य साथियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में है। जबकि वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मोहन नेमा व उसके साथियों द्वारा राजेश नेमा के घर पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। TI कलेक्टर व SP को इसके पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, जहां विधायक प्रतिनिधि ने भी किया है चौथे स्तंभ पर हमला। वायरल वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मोहन नेमा व उसके साथियों द्वारा राजेश नेमा के घर पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। TI छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन 24 घंटे से अधिक हो जाने के बाद भी मोहन नेमा व उसके अन्य साथियों पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में है। जबकि वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि मोहन नेमा व उसके साथियों द्वारा राजेश नेमा के घर पर हमला किया गया है। खबर आप छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा से विधायक प्रतिनिधि द्वारा चौथे स्तंभ यानी पत्रकार पर हमला करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मोहन नेमा की दबंगई से पत्रकार राजेश नेमा का पूरा परिवार दहशत में है। विधायक प्रतिनिधि द्वारा पत्रकार राजेश नेमा के घर पर जानलेवा हमला किया गया। जिले भर के पत्रकारों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए विधायक प्रतिनिधि व उसके साथियों पर कार्रवाई की मांग की है। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश नेमा जी हमारे साथ हैं, जिनके ऊपर ये हमला किया गया है। राजेश जी, बताइए क्या है पूरा मामला, क्यों विधायक प्रतिनिधि द्वारा आप पर हमला जो किया गया है वो क्यों किया गया है, इसके पीछे वजह क्या है, और आपके परिवार भी जो है वो भी परिवार के सदस्य भी दहशत में है, क्या है पूरी जानकारी? बताना चाहूंगा कि जो अमरवाड़ा विधानसभा में प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को कहता है मोहन नेमा जी, विगत कई दिनों से दबंगयाई दिखा रहा था ना, कई दिनों को खबरों को लेकर कई बार हमको धमकाया करता था, इसी टाइप से हरकतें करता था। तो विगत होली के दिन जी, होली की शाम को मेरे घर पे इसने अचानक हमला किया है। इसके साथ ही कुछ लोग और भी थे जिनके द्वारा घर में उसका कुछ अभद्र व्यवहार किया गया। मैं उस समय सोया हुआ था और इसके द्वारा बहुत गाजी भुगतान किया गया है, जिससे मेरा पूरा परिवार मिले थे। आपका क्या कोई बड़ा विवाद हुआ था विधायक प्रतिनिधि से, किसी मामले को लेकर आपने कुछ खबर कवर की थी, क्या ऐसा पुख्ता रीजन था, कारण था जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ गई? जी, विवाद ऐसा कोई विशेष नहीं था, लेकिन जी उस दिन जब मेरे पास आया था तो बहुत ज्यादा दिल की स्थिति में था, और जी कई लोगों के साथ इस टाइप से व्यवहार करता है, और हर रही और अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र इससे बहुत से लोग परेशान इसकी हरकतों से, इसने कई लोगों के साथ इस टाइप से किया है। उसी टारगेट को बनाने के लिए, अपनी दहशत को बढ़ावा देने के लिए जी मेरे यहाँ पे आके इस टाइप से इसका किया, जिससे इसका डर ये पहले अपना दिखाना चाहता था कि आखिर मैं कितना बड़ा दबंगई नेता हूँ, ये ऐसा दिखाना चाह रहा था। तो जैसा आपने बताया कि इलाके के और भी लोग दबंगई से परेशान हैं, तो आपके अलावा किसी और ने भी इनके खिलाफ पहले शिकायत दर्ज करवाई है, या पहला ऐसा मामला है जिसमें आपके साथ इस हद तक घटना घटित हुई, उसके बाद जब आपने शिकायत दर्ज करवाई है तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? देखिए, शिकायत तो ऐसे इसकी कई आई है, लेकिन हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय है जो उनकी आड़ ले लेता है, और उनकी लाड़ ले लेके उनके नाम से कई अभी वसूली भी करवाता है, इस टाइप से दबंगयाई दिखाता है। लोग भय के कारण आगे आके अपनी बात नहीं रख पाते। मेरे द्वारा कुछ बातें ऐसी रखी गई है मीडिया के माध्यम से, जिस बात को लेकर इसके द्वारा और इसके साथियों के द्वारा मेरे यहाँ
इस टाइप का जो कृत्य किया गया है। जब आप शिकायत दर्ज करवाने गए तो आपको क्या आश्वासन दिया गया पुलिस के द्वारा, प्रशासन द्वारा? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आपको क्या आश्वासन कुछ नहीं दिया गया है या दिया गया है किसी तरह का कि कब तक कार्रवाई हो जाएगी? जी बताना चाहूंगा, सब हमारा जो धन्यवाद था हरदई, तो हरदई में हरदई थाना अंतर्गत हमने टीआई साहब को दी। उसके बाद दूसरे दिन हम छिंदवाड़ा पहुंचे, एसपी महोदय जी नहीं मिल पाए तो हमने एडिशनल एसपी को शिकायत की, कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर महोदय जी को दिए, है ना। उसके पश्चात हमको एक आश्वासन के रूप में यही मिला था कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इनकी जिन जिस तरीके से दबंगताई दिनों दिन बढ़ती जा रही है उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कोई पब्लिक को, विधानसभा वासियों को इसके खामियाजे भुगतना पड़ेगा। ये कल को कोई बड़ा कृत्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन को इसकी जो कृत्य को देखते हुए बड़ी से बड़ी कठोर कार्रवाई करना चाहिए। जी राजेश जी, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। मामला आप देख रहे थे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, जहां मोहन नेमा विधायक प्रतिनिधि की दबंगई से शहर परेशान है। यहां तक कि चौथा स्तंभ पत्रकार जो समाज की सच्चाई को सामने लाता है, जब वो लोग नहीं बचे हुए हैं, राजनीतिक जो इस तरह का दबाव बना हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो आम इंसान की तो बात ही क्या कहें। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर।